नगर पंचायत असरगंज के सामान्य बोर्ड की पहली बैठक लादौना मोड़ स्थित पंचायत सभागार में सोमवार को मुख्य पार्षद इंजीनियर लूसी कुमारी की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी रूपा कुमारी के द्वारा किया गया। बैठक में उप मुख्य पार्षद सहित सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक में सर्वप्रथम नगर पंचायत कार्यालय असरगंज का स्थान बयान को बैठक में कचरा डंपिंग एरिया का चयन पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी निजी व्यक्ति अपने गड्ढे में खेत में कचरा भरवाने के लिए आवेदन दे सकता है, तो वहीं नगर पंचायत क्षेत्र की साफ सफाई का टेंडर निकालने तथा पूरे क्षेत्र में CCTV कैमरा और LED लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। पंचायत असरगंज कार्यालय का पहला सामान्य बोर्ड का बैठक शांतिपूर्वक तरीके से किया गया, संपन्न हुआ। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो पहला सबसे पहला मुद्दा था वो कार्यालय को लेकर था, क्योंकि असरगंज नगर पंचायत कार्यालय को का जो मुद्दा है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। कार्यालय में के लिए चर्चा की गई, आपस में वार्ड पार्षद सभी लोग चर्चा किए। उनमें इन्हीं का कुछ का था कि असरगंज में चलना चाहिए और कुछ का था कि रहमतपुर पंचायत भवन में जहाँ पे जिस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे सुविधाएं सारी, उसको देखते हुए बातचीत हुई। दूसरा प्रस्ताव साफ सफाई को लेकर था, साफ सफाई की निविदा करने के लिए निर्णय लिया गया। साफ सफाई में जरूरत की जितनी भी सामग्रियाँ हैं, टेक्टर टीपर्स और हैंड ट्रॉली हो गया, डस्टबिन हो गया, ये सारी चीज़ों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा PMU प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अंतर्गत राजस्व वर्धन एवं वित्तीय प्रबंधन तकनीकी सलाहकार के चयन करने हेतु भी निर्णय लिया गया। फिर इसके अलावा जो चर्चा का विषय रहा वो डंपिंग साइट के लिए रहा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, कहीं पे भी डंपिंग साइट नहीं है। योजना के अंतर्गत PM आवास योजना का प्रतिवेदन और CCTV कैमरा और LED स्ट्रीट लाइट लगाने का जो है वो प्रस्ताव वो पारित किया गया है। इसके साथ साथ जो प्रस्ताव लिया गया है वो दो प्रस्ताव लिया गया है। एक है क्रांति साह के घर के आस से लक्ष्मण यादव के खेत तक कुछ नाला का प्रॉब्लम है, जिसे आके उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, उस नाला को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहाँ पे प्रॉपरली नाला बनाया जाएगा। एक बेचन मंडल के घर के साइड कोई नाला है, वहाँ पे नाला आधा अधूरा है, जिसको पूरा करने का प्रस्ताव लिया गया है, ये चीज़ है। इसके अलावा जो भी हमारे क्षेत्र के जो नगर पंचायत कार्यालय हैं वहाँ पे आउटसोर्स के माध्यम से कर्मियाँ को लेने का प्रस्ताव लिया गया है, और इस जो ऑलरेडी कुछ कर्मी कार्यरत हैं उनको उनसे अभी कार्यरत हैं डेली वेजेस के तौर पर, फिर आगे जब टेंडर होता है तो RCMC के माध्यम से और भी जो हमें कर्मी की जरूरत है उन्हें लिया जाएगा। ओवरऑल यही डिस्कशन रहा, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हमारा बोर्ड मीटिंग संपन्न हुआ। इसमें हमारे बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता हमारे मुख्य पार्षद श्रीमती लूसी कुमारी जी, हमारे उप मुख्य पार्षद श्रीमती खुशबू कुमारी और बाकी सारे 12 वार्ड पार्षद उपस्थित रहे और बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से बोर्ड का मीटिंग संपन्न हुआ। आज के मुद्दे ये थे कि जो भी समान बोर्ड की बैठक में जो भी डिस्कस हुए, जैसे कार्यालय को लेकर के और बाकी हर गली की जो भी प्रॉब्लम है उनको लेकर के, कहाँ पे कौन सी सुविधा चाहिए, ये सब के लिए आज डिस्कस हुए। कार्यालय के लिए बाकी 50-50 का मुद्दा था कि कुछ असरगंज में होना चाहिए और कुछ रमनपुर में होना चाहिए। जैसे असरगंज में जैसे पूरा आंतरिक रूप, मतलब असरगंज पंचायत भवन का सारा नगर पंचायत सभी असरगंज में मौजूद है, जबकि रमनपुर का आंशिक भाग है और मकवा में कुछ आंशिक भाग है। तो हम लोग का भी मानना था कि असरगंज में ही हो, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं रमनपुर में। तो इसके लिए DM सर से या जो भी है डिस्कस, पहले तो यहाँ पे नगर पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों यहाँ पे हैं, ना ही नगर पंचायत के लिए कोई प्रॉपरली ढंग से मतलब कार्यालय है और ना ही ग्राम पंचायत के लिए, दोनों मिक्स है और दोनों एक जगह मिक्सअप नहीं चल रहा। तो फिर अगर यहाँ पे कार्यालय हो जाए तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो असरगंज पंचायत भवन में कार्यालय। योजना को जैसे नाले की, नलजल की, PM की और स्ट्रीट लाइट हो गया, CCTV कैमरा और
साफ सफाई को लेकर के और क्या छिड़काव स्प्रे छिड़काव। सभी जनप्रतिनिधि इस पे सहमत है? हाँ जी सहमत। क्या नाम बताओ? मुखर्सद इंजीनियर। असरगंज में सबसे समस्या है पानी के, 12 वार्ड है, 12 टंकी दिया जाए उनसे आपको सब अच्छा लगा। और कार्यालय यही रहना चाहिए, सब चीज़ की सुविधा है, गाड़ी आने जाने के, आदमी आने जाने की सब सुविधा है, असरगंज में कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ ज़्यादा सुविधा है इसलिए कार्यालय यही रहना चाहिए। यही रहना चाहिए।